शादी से पहले आपकी लाइफ में अगर कोई मोहब्बत अगर इंसान ने की हो तो उसकी लाइफ में तीन विलन हो सकते हैं कि या तो लड़की का बाप या हाँ. लड़की का भाई या लड़की की वालदा हाँ. और शादी के बाद एक ही विलन होता है वो आपकी वाइफ जो है वो रोल वाइफ किरदार जो है ना अदा अच्छा वो ले लेती है वो गैम्बो खुद बन जाती है बिल्कुल ये जो बैक बेंचर है ना इन्होंने मोहब्बतें जम के की हैं और इनकी मोहब्बतें आप कभी इनके जहनों से फरामोश नहीं करवा सकते. अच्छा इनको क्या याद आता है वो आजादी याद आती है कि भाई जिससे जो चाहा जब चाहा प्लान बना लिया मुलाकात पे बात करने पे कोई पाबंदी नहीं है और यकीनन जो बीवी आएगी वो तो इन चीजों पर पाबंदी लगाएगी ना. अच्छा वालदा याद आती है इन लोगों को ज्यादातर वालदा याद आती है कि चाहे वो कुछ भी कर रहे थे उनकी वालदा उनकी सपोर्टर थी. मुझे तो अपनी वालदा याद आती है अच्छा। कई बार मोहल्ले से खातून आके बताती थी कि आपका बेटा वहाँ शायरों की तरह बाल बना के खड़ा हुआ है हाँ। तो मेरी वालदा कहती थी भाई आप इस बारे में फिक्र मत. अब यही बात मेरी बीवी को कोई आके ना भी बताए हाँ। कि भाई ये वहाँ खड़ा हुआ है तो वो वैसे ही विलन बन के. एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड मैं ये देख रही हूँ कि जो सोशल मीडिया आपका एक मिसाल के तौर पे आपका एक फेसबुक अकाउंट है लड़का हो या लड़की हो जैसे ही उसकी बात पक्की होती है शादी होने वाली होती है वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है. फिर अल्हम्दुलिल्लाह और मंगनी या शादी की तस्वीर के साथ एक नया अकाउंट बनता है जिसपे कुछ गिने चुने दोस्तों को ऐड किया जाता है. ये क्या ट्रेंड है? अच्छा इसमें देखिए पास्ट में कुछ गलतियां लोगों से हुई होती हैं तकरीबन हर इंसान से और वो फेसबुक पे कुछ वो ऐसे लोग पीछे मौजूद होते हैं बाकियात होते हैं बाकियात. हाँ, वो लड़की को मैं कहता हूँ बिल्कुल अगर वो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करती है वो बिल्कुल सही करती है बिल्कुल सही करती है. अच्छा। उस बेचारी की लाइफ शुरू होने वाली है हाँ। और ये असल में हमारे माशरे में जो लड़के भी होते हैं वो कई बार अंडरस्टैंड नहीं करते कि शादीशुदा खवातीन से ऑलवेज दे हैव टू क्रिएट डिस्टेंस. राइट बिल्कुल ये होना चाहिए. मतलब थोड़ी सी आप में अगर पर्सनैलिटी बाकी है या आपको लगता है हाँ. तो फिर आपको शादीशुदा खवातीन को थोड़ा सा डिस्टेंस देकर खैर बात कहना चाहिए. अच्छा आई थिंक डिस्टेंस दोनों तरफ होना चाहिए. आप देखें आपकी कॉलेज लाइफ में यूनिवर्सिटी लाइफ में या कॉलीग्स भी आपकी बड़ी गहरी दोस्तियां हैं लेकिन ऑपोजिट जेंडर की अगर दोस्तियां हैं तो जिस शख्स की शादी हो जाती है आपको नहीं पता अभी उनका रिश्ता नया है तो मियां बीवी को भी वक्त चाहिए. अगर आप वही बेतकल्लुफी रखेंगे तो दैट कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स. राइट कि अच्छा इंसान वो है जिसका पुराना मुलाजिम और पुराने दोस्त उसके साथ हो. ये बड़ी गहरी बात है. तो अगर आपके पुराने दोस्त आपके साथ नहीं है तो अमूमन वो लोग जो चीटर हैं उनके पुराने दोस्त उनके साथ नहीं होते. उन्होंने या तो उधार लेके खा लिया होता है या और कोई बड़ा नुकसान. अच्छा हमारे माशरे में कई बार लोग तालीम हासिल करने का मकसद नौकरी मतलब उन्होंने ये सोच लिया होता है कि भाई हमने अगर पढ़ाई करनी है तो एंड पे जाके नौकरी करनी है. सही ये वो वाले मर्द हजरात होते हैं जिनके पास फिर टाइम नहीं निकल पाता और वो कहते हैं भाई सैटरडे संडे को टाइम निकलेगा और वो मेरे बीवी बच्चों का होता है. इनको मैं कहता हूँ बैड मैनेजर. मर्द हजरात के ऊपर ऐसी क्या मुश्किल आती है या मजबूरी आती है कि उनके शौक भी छूट जाते हैं शादी के बाद? देखिए मर्दों के जो शौक है वो आपको पता है. मर्दों की जिंदगी में मैं वजाहत को सुन रही थी. एक वो लैला है जो जिनसे उन्होंने मोहब्बत की होती है वो दिमाग में होती है हाँ. जो आइडियलाइज की होती है. एक खातून उनके घर में होती है बीवी की शक्ल में और एक उनको बाहर या साथ वाली खिड़की में नजर आ रही होती है. तो मर्दों के जो शौक है उन पर तो हम पूरा मैं वैसे दूसरे वाले शौक की बात कर रही थी. मतलब ये पैसे आए ना आए बाल सलामत रहने चाहिए. तो ये लोगों की अपनी विलिंगनेस है अपनी हाँ। चाहत है कि वो पैसों को तरजीह दें या अपनी पर्सनैलिटी को. तो कई लोग शादी के बाद वो सोचते हैं कि नहीं भाई जो मिलनी थी ना वो मिल गई है अब हमारे बढ़े हुए पेट या वो बिल्कुल बाल नहीं है और वो उसी को पर्सनैलिटी बनाकर पेश करते हैं विच इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट. शादी के बाद ये दुआएं हैं जैसे मैं अल्लाह पाक से हमेशा मांगता हूँ कि भाई अगर पैसे मेरे खानदान में लोगों के पास आए तो जब उनके बाल उड़ गए तो मैं कहता हूँ अल्लाह भैया पैसे आए ना आए बाल सलामत रहने चाहिए. वजाहत आपके पास ये बात लेके आना चाहूंगी. मुझे बताएं कि ग्रूमिंग को लेकर बहुत खवातीन कहती हैं कि जब शादी नहीं होती थी और सिंगल लाइफ थी और शायद रिश्ते देखे जा रहे थे तो अपने बनने संवरने का बहुत ख्याल रखती हैं लड़कियां. जब शादी हो जाती है तो चाहे वजन पुट ऑन कर रही हो बाल सही बने ना हो मुंह धुलावा हो या ना हो इसका ज़रा एहसास कम हो जाता है कदरे कम हो जाता है अमूमी तौर पर. ये क्या वजह है और क्या तब्दीली आती है? बल्कि आपका तो अब लाइफ पार्टनर साथ है द पर्सन हु इज सपोज टू फील अट्रैक्टेड टू यू तो लड़कियों को तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए. ये तब्दीली क्यों आती है शादी के बाद? अच्छा ये मैंने नोट किया कि ज्यादातर लोगों का टारगेट ही दुनिया में कई बार जॉब हासिल करने के बाद शादी करना होता है. सही. और लड़कियां जिस वक्त ये टारगेट अचीव कर लेती हैं तो मतलब अब मैं वो वर्ड मतलब बहुत ज्यादा मतलब हाँ. एक होता है ना मतलब इंसान कई बार फर्क महसूस नहीं कर पा रहा होता कि भाई ये इंसान है भी
या नहीं है, मतलब मैं आपको लगता है कि इतना अपनी तरफ से बेफिक्री हो जाती है, लाइल्मी हो जाती है कि सर झाड़ मुंह फाड़ हालत में घूम रहे हैं आप? बिल्कुल, वेलकम बैक बचा। वैसे जब अभी खवातीन का जिक्र हो रहा था, मर्द हजरात को क्या याद आता है जो शादी से पहले का जमाना था? बल्कि क्यों मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि खवातीन का क्लेम ये है कि भाई इनको इंसान तो हमने बनाया है, पहले ना उठने बैठने की तमीज़ थी, ना ड्रेसिंग आती थी, ना खाने के आदाब पता थे, ये सब तो खवातीन शादी के बाद सिखाती हैं, मर्दों की ग्रूमिंग होती है, तो वो उससे पहले का क्या टाइम याद आ रहा होता है आप लोगों को? अच्छा, मैं इस सिलसिले में मर्दों की कैटेगरीज बता देता हूँ। अच्छा, देखिए हम एक मोटी कैटेगरी डिवाइड करेंगे कि एक वो लड़के थे जो बैक बेंचर्स थे, एक वो थे जो अपने कैरियर बनाने में लगे हुए थे। लेट्स सपोज एक बंदा सीएसएस कर रहा था, वो बस से लटक के जाता था लाइब्रेरी, वहां से वापस आता था। एक सीए कर रहा था तो वो 5 घंटे कमरा बंद करके बैठता था। उसकी लाइफ में पीछे याद करने को कुछ भी नहीं है, वो कुछ याद नहीं करता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वो बैक बेंचर्स की, जिनमें मैं आप कह सकती है कि मुझ जैसे लड़के शामिल थे। हमारे पास अगर ये बात कही जाए कि हमें इंसान, तो मैं शादी के बाद तो अगर परफ्यूम लेता हूं तो मेरी बच्ची खत्म कर देती है, अदरवाइज मैं परफ्यूम के बगैर सवाल नहीं पैदा होता था। मैं पढ़ाने भी जाता था तो मेरी बहनें कहती थी कि भाई ऐसा टीचर हमें कभी पढ़ाने नहीं आया। बताने का मकसद कि लड़का शादी से पहले जो खासकर एक और कैटेगरी हम बताएं जिसमें एक इंसान वो है जो कहता है भाई मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। अच्छा, मोहब्बत से पहले जो आपने कहता है हजारों से हो सकती है। नहीं नहीं, अभी आपने जो ग्रूमिंग वाली बात की, क्योंकि इससे पहले हम कह रहे थे कि खवातीन अपना ख्याल रखना बंद कर देती हैं, मर्द हजरात का भी तो यही होता है, बाल कम हो जाते हैं, टोन निकल आती है, वो भी तो है जो शादी के बाद अजीब से हो जाते हैं। शादी से पहले उनको देखा था तो वो हीरो लगते थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने भी अपनी अपकीप छोड़ दी। अच्छा, ये 100% ये बात दोनों पे अप्लाई हो रही है। और यहाँ पे लोग असल में शादी के बाद ये दुआएं हैं, जैसे मैं अल्लाह पाक से हमेशा मांगता हूँ कि भाई अगर पैसे मेरे खानदान में लोगों के पास आए तो जब उनके बाल उड़ गए तो मैं कहता हूँ अल्लाह भैया पैसे आए ना आए बाल सलामत रहने चाहिए। तो ये लोगों की अपनी विलिंगनेस है, अपनी चाहत है कि वो पैसों को तरजीह दें या अपनी पर्सनैलिटी को।